ही औरत जिसके साथ हर मोड़ पर कोई ना कोई जानलेवा हादसा हो रहा था, जैसे उसके सर पर हर वक्त मौत का साया मंडरा रहा हो। क्या ये हादसे इत्तेफाकन हो रहे थे या फिर ये किसी की सोची समझी साजिश थी? क्या थी इन हादसों के पीछे की सच्चाई? सोनी, अरे हमारे बाइक की चाबी पता नहीं कहाँ है, तुम्हें पता है क्या? देखना जरा। आई। फिर वही चाबी, तुम्हें पता है? 4 साल हो गए हमारी शादी को, रोज हमें ही तो पता होता है। ये लो। हाँ, तभी कहते हैं ना, जिस तरह से इस चाबी के बिना ये बाइक नहीं चल सकती, उसी तरह तुम्हारे बिना हम नहीं चल सकते। अरे हाँ, आज शाम को आने में जरा देर हो जाएगी क्योंकि अगले हफ्ते से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, काम बहुत ज्यादा है। क्यों मायूस हो रही है? 4 साल हो गए, हर साल यही होता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। देखो, अगर काम नहीं करेंगे तो बड़े प्रोफेसर कैसे बनेंगे? आप ही बनेंगे। वैसे भी आपकी मेहनत और टैलेंट से ही तो प्यार कर बैठे थे हम, जब हम वहाँ काम करते थे। अच्छा, मतलब हमसे प्यार नहीं करते थे? चलते हैं। आज आपकी क्लास नहीं है? है ना, दोपहर में। कुछ चाहिए था? आप क्या हाथों का बना हुआ अचार? हाँ हाँ, बन जाएगा तो भिजवा दूंगी। अरे आप अभी तक गए नहीं? नोटपैड भूल गए, वही लेने आए। हाँ हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ। अनीता, तुमसे चाबी नहीं संभाली जा सकती? वो मैम साहब, चलो जाओ सब्जियां काटो, मेरा भाई आ रहा है हॉस्टल से, खाना बनाना है उसके लिए, चलो। रे ले लो। नहीं दीदी, दीदी बस 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 बस, ऑलरेडी आपके बनाए खाने के लालच में बहुत ज्यादा खा चुका हूँ मैं। लालच की क्या बात कर रहे हो, ये देखो 4 साल की लालच का नतीजा। जीजू आप इतने हैंडसम हो, इतने से पेट से क्या फर्क पड़ने वाला है? ये कौन बार बार ब्लैंक कॉल कर रहा है? तुम रुको, खाना खाओ, मैं देखती हूँ। हेलो। चलो आखिर तुमने फोन तो उठाया, वरना मुझे तो लगा कि आज तुम्हारे भाई की आवाज सुननी पड़ेगी। हमने तो ये बताने के लिए फोन लगाया था कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हेलो हेलो हेलो, हमारे समाज में महिलाओं के साथ अक्सर ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, कदम कदम पर महिलाओं को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सोहिनी के साथ भी उसका पड़ोसी अमन उस पर अपने नापाक इरादे थोपना चाहता था, मगर इस मामले को कुछ हद तक सोहिनी ने भी बढ़ावा दिया अपने पति विक्रम से बात ना करके। यहीं पर हमारी समाज की महिलाएं गलती कर बैठती हैं, शर्म और बदनामी के मारे वो चुप हो जाती हैं, बात को दबा देती हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। अगर कोई मर्द किसी भी महिला के साथ छेड़खानी, बदतमीजी या ओछी हरकत करता है तो महिला को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलत काम आप नहीं दूसरा कर रहा है। और ऐसे हालात में हर महिला को आवाज उठानी चाहिए और इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए। करती हो सोहिनी जी,
अगर हम नहीं होते आपको अपनी बाहों में पकड़ने के लिए, गिर जाती आप जमीन पर, सर फूट जाता आपका। छोड़ो मुझे, मैंने कहा नीचे उतारो। तुम अंदर कैसे आए? आपके काम वाले ने दरवाजा खुला रखा था। देखो अमन, अपनी हद में रहो। मैं इसलिए चुप बैठी हूँ क्योंकि तुम और विक्रम साथ में काम करते हो और कोई बवाल ना हो जाए। लेकिन आइंदा अगर तुमने कोई भी घटिया हरकत की ना, तो मैं चुप नहीं रहूंगी, समझे तुम? तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम जानती नहीं इसका नतीजा क्या होगा? धमकी नहीं, चेतावनी दे रही हूँ। चलो निकलो यहाँ से। सोहिनी ने अमन को अपनी मनमानी करने से रोककर उसके अहंकार को करारा तमाचा मारा था, जिसकी वजह से अमन तिल मिला उठा था। उसे अपनी ये बेइज्जती कतई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उधर विक्रम को भी इस बात की जानकारी थी, पर पता नहीं क्यों उसने सोहिनी से इस बारे में बात करना उचित नहीं समझा। क्या विक्रम भी सोहिनी की तरह कोई बड़ी गलती कर रहा था? बज गए। देखो जो भी नोट्स मैंने तुम्हें दिए हैं वो सब अच्छी तरह से देख लेना, और नोट्स के अलावा भी एक और किताब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास घर में रखी है, मैं अभी भिजवा देता हूँ। चलो जी। ओके सर। ये दीदी भी ना हमेशा दरवाजा बंद करना भूल जाती है। तुम बैठो, मैं सर आता हूँ। सोहिनी, सोहिनी कहाँ हो? दीदी ये क्या हो गया आपको? जीजू, जीजू देखो ना क्या हो गया दीदी को। दीदी प्लीज उठो। दीदी ये क्या हो गया आपको? जीजू देखो ना, अरे क्या हो गया? दीदी को दीदी, अरे दीदी की नब्ज चल रही है, कोई फोन मिलाओ जल्दी से एम्बुलेंस को। कोई एम्बुलेंस को फोन करो ना, फोन कर जल्दी दीदी। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब देखिए मैंने कितना खून बह गया है। क्या हुआ इन्हें? पता नहीं, घर पे चोरी हुई थी और दीदी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। आपको जो पूछना बाद में पूछिएगा, पहले इनका देखिए। व्हाट बॉय, इन्हें ओटी लेके जाओ जल्दी, कम ऑन क्विक फास्ट, मूव मूव। पता ही नहीं चला, कुछ जोर से मेरे सर पे आके लगा और फिर याद नहीं। सोहिनी, वो पुलिस आई है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बयां दे पाओगी तो दे दो, वरना बाद में भी दे सकती हो। पुलिस? हाँ, हॉस्पिटल के रूल्स हैं, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। और वैसे भी आप लोगों ने कहा कि चोरी भी हुई है, इसलिए मैं समझा कि ये भी ज़रूरी होगा। लेकिन दीदी इस हालत में स्टेटमेंट कैसे देगी? उनसे कहिए कि बाद में आए। नहीं, मैं बयान देने के लिए तैयार हूँ, आप उन्हें अंदर बुला लीजिए। ओके। जी कहिए, मैं ही सोहिनी हूँ, बताइए। आप? मैं विक्रम राय, इनका पति। ये जीत है, इनका भाई। सोनी जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ आराम से आप बताइए। मैम सब सारा काम हो गया है, मैं जाऊं? हाँ ठीक है जी। बात कुछ याद नहीं। ये चोट कैसी है, ताजी तो नहीं लगती? हाँ, कुछ दिन पहले एक गाड़ी से एक्सीडेंट होते होते बचा। पता नहीं आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या मतलब? हाँ मतलब कुछ नहीं, घर आ रही थी, एक्सीडेंट होते होते बच गई। और कुछ? इस एक्सीडेंट से पहले भी दो बार मेरे साथ एक्सीडेंट होते होते बचा है। मुझे बताने में थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैंने सोचा कि जाने दो। क्या अजीब लग रहा था? एक्चुअली एक बार मंदिर की सीढ़ियां उतर रही थी और तेल होने के कारण फिसलते हुए बची।
और एक बार मैं कंस्ट्रक्शन साइट से गुजर रही थी, आपको इस हालत में सबसे पहले घर में किसने देखा? हमने, मैं और जीजू क्लासेस से आ रहे थे और घर पे आके देखा तो दीदी किचन में बेहोश पड़ी थी। और घर का ताला टूटा हुआ था? नहीं, ताला नहीं टूटा था, लेकिन दरवाजा खुला था। इसका मतलब कोई चाबी से अंदर घुसा है और आप लोग कह रहे हैं चोरी हुई है, क्या क्या चोरी हुआ पता चला आपको? हमने अभी चेक नहीं किया है, तो चलिए चेक करते हैं। इंस्पेक्टर झा और उनकी टीम ने विक्रम के घर की गहन तलाशी ली और सिर्फ अलमारी में रखी सेफ से पैसे और गहनों की चोरी हुई थी, बाकी घर का सामान वैसा का वैसा रखा हुआ था। इंस्पेक्टर झा ये समझ गए कि ये काम किसी अपने या करीबी इंसान का हो सकता है जिसका विक्रम के घर आना जाना लगा रहता होगा। तो घर की चाबी आप तीन लोगों के पास होती है, एक आपके पास, सोहिनी जी के पास, गुरजीत के पास, राइट? जी हाँ। हाँ झा साहब, हमारे यहाँ एक काम वाली आती है, एक चाबी हमने उसे भी दे रखी। मुझे क्या पता साहब घर में चोरी किसने की, और जब भी घर में कुछ होता है तो आप लोग सीधा हम भाई लोगों पर ही क्यों इल्जाम लगा देते हैं? घर वालों के अलावा एक चाबी तुम्हारे पास है, तुम पे नहीं तो क्या बाहर वालों पे शक करेंगे हम? साहब वो चाबी तो कब की गुम हो गई, मैंने मैम साहब से भी कहा था करीब 2 हफ्ते पहले, आप चाहें तो उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने मुझे दूसरी चाबी नहीं बनवा के दी। चाबी जानबूझ के छुपा दी ताकि कोई शक ना करे तुम पे, पागल समझा है? साहब आप ये क्या जबरदस्ती बोल रहे हैं? अब तक मैं सिर्फ मुंह से बात कर रहा हूँ। आज काम पे से कितने बजे आई थी? सब वो रोज की तरह 7 बजे। सर चोरी भी लगभग 7 बजे के आसपास ही हुई थी। घर से निकलने के वक्त किसी को देखा था आसपास? नहीं साहब, वो हमारे पड़ोसी हैं अमन साहब, कल अपने गार्डन में टहल रहे थे, लेकिन वो उस दिन के बाद घर में कभी नहीं आए। किस दिन के बाद? जिस दिन मैम साहब से झगड़ा हुआ था। अगर तुमने कोई भी घटिया हरकत की ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी, समझे तुम? तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम जानती नहीं इसका नतीजा क्या होगा? देखिए इंस्पेक्टर, आप बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। बेवजह नहीं अमन जी, बेवजह नहीं। हो सकता है आपने उन्हें सबक सिखाने के लिए सब कुछ किया और नाम डाल दिया चोरी का, और फिर आपने उन्हें धमकी भी तो दी थी, क्यों? चलिए कहाँ? अभी आपके मन में क्या चल रहा है वो तो हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन आपके घर की तलाशी लेकर बहुत कुछ पता लगा सकते। चलिए ढूंढिए ढूंढिए, कुछ मिल जाएगा तो हमें भी बता दीजिएगा। ऊपर कर। अब इसके बारे में क्या कहना है आपका? हमें क्या पता किसकी है और कहां से आई है? चुप। इस खून को सोहिनी जी के खून से मैच करो। लेकिन मेरी बात तो सुनिए आप। चल। अरे इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए आप, ऐसा नहीं कर सकते। अमन को फौरन हिरासत में ले लिया गया और सोहिनी के कत्ल की कोशिश के लिए उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलाया गया। दूसरी ओर सोहिनी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंच गई, मगर उसकी हालत अभी बहुत नाजुक थी, गहरे जख्म से वो धीरे धीरे उभर रही थी, लेकिन कम से कम अमन की गिरफ्तारी ने उसके मन को सुकून पहुंचाया। सब मेरी ही गलती है, मुझे आपको बता देना चाहिए था उसकी हरकतों के बारे में, लेकिन मैं आपको खामखा परेशान नहीं करना चाहती थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अपने आप को दोष मत दो। सह देखो अपनी, कुछ खा लो। सच कहूं तो बिल्कुल भूख नहीं है, अब इतनी गर्मी है कि मन भी नहीं कर रहा है खाना खाने का, मैं नींबू पानी बना लेती हूँ। बैठो, हम बना कर लाते हैं। अरे वो वहां पे नहीं है। मिल गया मुझे। ये लो, ठंडा ठंडा ताजा नींबू पानी पियो।
क्या हुआ? कुछ नहीं, चोट लगने की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा है। दिमाग पे जोर डालने की जरूरत है भी नहीं। तुम ये नींबू पानी पियो, अंदर जाओ और आराम से लेट जाओ। खाना इतना अच्छा था ना विक्रम? हाँ। हमें अक्सर यहाँ आना चाहिए। क्या हो गया? मेरी हेडलाइट बंद हो गई है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने मैकेनिक को दी थी बाइक। इन लोगों को एक बार कोई चीज दो तो ठीक हो ही नहीं सकती। अरे लेकिन इतने अंधेरे में बिना हेडलाइट्स के हम कैसे जाएंगे? क्या करें, अब यहाँ तो नहीं रोक सकते। तुम घबराओ मत, मैं संभाल कर चलाऊंगा। अरे संभाल के। जिस औरत का एक्सीडेंट हुआ उसका नाम क्या है? सर उसका नाम सोहिनी। सोहिनी। जहाँ सर। मिस्टर विक्रम आप? जिस औरत का एक्सीडेंट हुआ मेरी पत्नी। सोहिनी जी, मुझे तो लगता है किसी ने जैसे आपकी जान को नुकसान पहुंचाने की ठान ली हो। वो सब छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि उस अमन का क्या? हमें लगता है कि इसके पीछे भी उसी का हाथ है। उसे कल ही छोड़ दिया। क्या छूट गया? दीदी दीदी क्या हो गया आपको? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? फिर से? वही तो, एक इंसान के इतने एक्सीडेंट कैसे हो सकते? हम आपसे कह रहे हैं इसके पीछे उसी अमन का हाथ। अमन ने दोबारा सोहिनी की जान लेने की कोशिश की है। जीजू अमन तो जेल में है। छूट गया। देखिए मिस्टर विक्रम, उस बैट के सिवा और कोई सबूत नहीं था, वो भी इत्तेफाक था। जब ये हादसा हुआ था वो अमेरिका में अपनी बहन के साथ वीडियो चैट कर रहा था। उसने कहा और आपने मान लिया, कीमत तो मेरी पत्नी को चुकानी पड़ी ना। वहां आपने उसे छोड़ा नहीं कि वो शुरू हो गया। वैसे भी मिस्टर विक्रम, अमन इस वक्त शहर में है ही नहीं, वो बैंगलोर में। ये भी तो हो सकता है ये काम उसने किसी और से करवाया हो। आप जो कह रहे हैं वो मुमकिन हो सकता है और नहीं भी। आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आप कुछ कर नहीं सकते? देखिए आप लोग प्लीज बाहर जाइए, मुझे अकेले रहना है। मेरा सर फटा जा रहा है दर्द से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे आराम की जरूरत है। अब जी तुम रुको ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सोनी हम रुकते हैं ना, अगर कुछ जरूरत हो तो। नहीं आप घर जाइए, आप आराम कीजिए, जीत है ना मेरी देखभाल के लिए। पता नहीं सोहिनी को क्या हो गया, बदली बदली सी लग रही है। अच्छा हम दो दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, वो मेडिकल कॉन्फ्रेंस है ना दिल्ली में, बताया था तुमने उसके बारे में, उसी से आज रात को ही निकलना होगा। हमें प्रॉमिस करो कि अपनी दीदी का पूरा ख्याल रखो। आई प्रॉमिस टीचर, प्रॉमिस। दीदी अब फिर शुरू हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपके मन में ये वहम जीजू के खिलाफ कैसे आ गया, और वो भी जबकि सबको पता है, आपको भी पता है कि ये सब वो अमन कर रहा था। हाँ ठीक है, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती हूँ इस बारे में, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जाके सोऊं। ठीक है दीदी, मैं भी निकलता हूँ।
लेकिन आप अपना ख्याल रखना, चलता हूं। हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर झा से बात कर सकती हूँ? जी नहीं, वो किसी इमरजेंसी केस पर बाहर गए हैं, वो कल सुबह तक लौटेंगे। ठीक है। क्या वजह थी जिसने विक्रम को इतना निर्दयी बना दिया था? क्यों उसने सोहिनी की इतनी क्रूरता से हत्या कर दी? वो सोहिनी जिसे वो बेहद प्यार करता था, जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी, इस हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी? मेम साहब, दरवाजा खोलो। अरे क्या हुआ? एक महीने से कह रही हूँ कि चाबी बनवा दो, पर मेम साहब को टाइम कहा और बिना मतलब इधर खड़ी हूँ। मेरे पास चाबी है। ये सब क्यों ऐसे बिखरा हुआ है? दीदी, एक मिनट। जा सर, दीदी, सोहिनी, मेरी सोहिनी कहाँ है? हम उसे देखना चाहते। मिस्टर विक्रम, सोनू जी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जैसे ही टेस्ट हो जाएंगे, बॉडी आपको लौटा दी जाएगी। मेरी सोहिनी किसने किया ये? फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते। शावर के पानी की वजह से ज्यादा करके निशान और सबूत धुल चुके हैं, फिर भी फॉरेंसिक एविडेंस तो होगी। क्या फायदा, मेरी सोहिनी तो वापस नहीं आएगी। माफ कीजिएगा, ये समय सही तो नहीं है, लेकिन करना जरूरी है। आप दोनों से कुछ जरूरी सवाल करने हैं। अगर आप लोग पुलिस स्टेशन आ जाते तो
तो कल रात आप दिल्ली में थे? हाँ, एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, वहां पर जब चीत का फोन आया। सोहिनी जी की लाश सुबह 7 बजे के करीब तुम्हें मिली और आप अब शाम के 5 बज रहे हैं, आप इतने देर बाद आए? क्या मतलब? मतलब ये कि दिल्ली से पहली फ्लाइट दोपहर 12:30 बजे की है और इन्हें अपनी बीवी की खबर मिलते ही उसी फ्लाइट से यहाँ आ जाना चाहिए था। हाँ, वो मैंने जीजू को कॉल किया था लेकिन उनका फोन लग नहीं रहा। कॉन्फ्रेंस देर रात तक चली, हम थक गए थे बहुत, इसलिए फोन स्विच ऑफ करके सो गए। तो आप उनके होटल में फोन लगाते जहां ये रुके हुए थे? इसे नहीं पता था कि हम कहां ठहरे। फिर आखिर में मैंने इनके साथी को कॉल किया। हेलो, मैं विक्रम राय से बात करना चाहता हूँ, अर्जेंट। हाँ विक्रम, हमारे होटल पे नहीं है, वो साकेत में किसी दूसरे होटल पे है। ठीक है ठीक है। मिस्टर विक्रम, क्या मैं जान सकता हूँ आप उस होटल में क्यों नहीं ठहरे जहां आपके साथी ठहरे हुए थे? देखिए, हमें अपनी दादी से मिलना था, मेरी दादी वहीं रहती है जिस होटल में मैंने कमरा लिया। लेकिन आप हमसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सवाल तो हमें आपसे पूछने चाहिए, आपने अमन को लॉकअप में क्यों नहीं रखा? अगर रखा होता तो। देखिए मिस्टर विक्रम, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, आपको परेशान करने का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं। आप यहाँ आए उसके लिए शुक्रिया, आप जा सकते। अच्छा मिस्टर विक्रम, कल सोहिनी जी का फोन पुलिस स्टेशन में आया था, मुझसे बात करना चाहते थे, आप बता सकते हैं किस सिलसिले में? आप बताएंगे आपने मुझे यहां अकेले क्यों बुलाया? ऐसा क्या है जो आप जीजू से छुपाना चाहते हैं? ये तुम्हारी दीदी का हैंडसेट है जिससे हमें ऑडियो क्लिप्स मिली हैं, जो हमने हमारे लैपटॉप में स्टोर किया है। पहले इसको देखो, उसके बाद तुम्हें जो पूछना है वो पूछो। जीत, मैंने तुमसे कहा था, वही, वही है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। जीत, सोहिनी किसके बारे में बात कर रही है तुमसे? विक्रम जीजू, कहा था मुझे ये दीदी ने, लेकिन मैंने ही विश्वास नहीं किया। जीत एक मिनट, क्या कहा था तुम्हारी दीदी ने? वो पूछ रहे थे कि कभी जीजू हमें क्लासेस के बीच में छोड़ के गए क्या। मैंने हाँ भी कहा था, पर फिर भी मैं नहीं समझ पाया। लेकिन सोहिनी जी को अगर विक्रम पर शक था और ये बात तुम्हें पता थी तो तुमने हमें बताई क्यों नहीं? तभी कल रात पुलिस स्टेशन सोहिनी जी फोन कर रही थी और मैं इमरजेंसी केस से बाहर गया हुआ था। वो हमें तो लग रहा था ये सब वो अमन कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, अगर अमन असली गुनहगार होता तो इतने आसानी से हमारे हाथ नहीं लगता। लेकिन लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जीजू ये क्यों करेंगे? वो कितना प्यार करते थे दीदी से, कितना ख्याल रखते थे। वेल, वो तो हम पता कर ही लेंगे, हमें सिर्फ उस होटल से तुम्हारे जीजू का बाहर निकलने का फुटेज या सबूत इकट्ठा करना होगा। वैसे क्या नाम बताया था उस होटल का जिसमें तुम्हारे जीजू ठहरे थे? जी जनाब, हमारे पास उस होटल की फुटेज है जहां मिस्टर विक्रम ठहरे हुए थे। दिखाओ, चलो करो। आगे आगे। आगे आगे। फॉरवर्ड, दिस दिस दिस। We'll be right back.
तो ये 7 बजे निकला है यहाँ से। जी जनाब, लेकिन ये बिल्कुल खाली हाथ है। हो सकता है कुछ लाया नहीं हो, खाली हाथ हो। पाठक ये सब... काम करो, मैं वापस निकल रहा हूँ कल, तुम यहीं रुको। हो सकता है यहाँ से और कोई सबूत हमें मिले। ओके सर। सर 10 अप्रैल को दिल्ली से जमशेदपुर जाने वाली फ्लाइट में मिस्टर विक्रम का नाम नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता? अरे ऐसा कोई तो पैसेंजर होगा जो 10 की रात और 11 की सुबह के बीच दिल्ली से आया गया हो। सर ऐसे 5 पैसेंजर हैं। उन 5 को फोन करो, क्रॉस चेक करो और पाठक को इन्फॉर्म करो उसे यहाँ जल्द से जल्द बुलवाओ। जाओ। चेक कर लिया सर, सिवाय इस एक के, सुरेश विजय। सुरेश विजय कॉन्टैक्ट करने पर कहता है कि आईडी कार्ड, मोबाइल फोन, लाइसेंस सब चोरी हो गया। 2 महीने से हॉस्पिटल में है सर, कहीं आने जाने का चांस ही नहीं। कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है? ये मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल सर, वहीं जहां सोहिनी को एडमिट किया गया था। अब समझ में आ रहा है इसका वॉलेट किसने चुराया है। इंस्पेक्टर साहब, हाँ ये देखिए जीजू का बैग कपड़े के ऊपर मिला मुझे, इस पर 2 अलग अलग फ्लाइट के लगेज टैग्स है और एक में 10 अप्रैल का स्टैंप है। लेकिन अब क्या? बस अब ये कि उस होटल से सीसीटीवी फुटेज आने का इंतजार है, थोड़ी देर में आती होगी। ये औरत कौन है? इसके पास वैसे ही बैग है जैसा बैग विक्रम के पास है। चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा सर। पठक पता करो ये कौन है और इमीडिएट मुझे इन्फॉर्म करो और विक्रम के सारे फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ 1 घंटे के अंदर। समझ गए? यस सर। हाँ, विक्रम राय अपने घर पर भी नहीं। एक काम करो, सब जगह नाकाबंदी करो। ओके सर। इंस्पेक्टर झा और उनकी टीम फौरन सोहिनी के घर पहुंचे, मगर विक्रम तब तक फरार हो चुका था। सर ये विक्रम के मोबाइल फोन रिकॉर्ड है, इस नंबर से 12 फोन आया और किया है। सर ये दिल्ली का नंबर है, किसी रंजना शर्मा का। रंजना शर्मा? एकर को चारों तरफ से घेरो, चलो। रंजना जी, ये फुटेज है ना, मुझे परेशान कर रहा है। ये बैग जिस पे टैग है, ये सबूत है। कत्ल वाली रात ये बैग दिल्ली से सोहिनी जी के घर तक आया और इस फुटेज के मुताबिक ये बैग आप लेके निकल रही हैं। रंजना जी, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपसे और कोई सवाल ना पूछूं, तो आप मिस्टर विक्रम के बारे में हमें वो सच बताइए जो हम सुनना चाहते हैं। बोलिए। दरअसल मैं और विक्रम अच्छे दोस्त होने के साथ साथ हमारे बीच एक रिश्ता भी था जिसकी हमने सारी हदें पार कर ली थी। विक्रम हमेशा के लिए दिल्ली आना चाहते थे और मेरे साथ रहना चाहते थे। इसीलिए तुमने उससे कहा कि अपनी पत्नी को मार दो? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने सिर्फ उसे डाइवोर्स लेने के लिए कहा था, पर उसने ऐसा नहीं किया। शायद उसे लगता था कि वो लोग जो उसे प्यार करते हैं, कि स्टूडेंट्स और उसके कलीग्स, अगर वो ऐसा करेगा तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। कत्ल वाली रात क्या हुआ? उस दिन मुझे उसने
ये बैग लेकर एक होटल में मिलने के लिए कहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो अपनी बीवी को मारने का प्लान बना रहा है। मुझे उसका साथ देना ही नहीं चाहिए था। क्या है ये सर? क्या साबित क्या करना चाहते हैं आप लोग? मुझे कुछ साबित नहीं करना है। रंजना अपना गुनाह कबूल कर चुकी है और वो अपनी जान बचाने के लिए तेरे खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है। अमन को कैसे फंसाया? बोल। हम अमन को फंसाना नहीं चाहते थे। हम तो सिर्फ चाहते थे कि ये सब कुछ एक एक्सीडेंट लगे। जब कुछ नहीं हुआ तो हमने सोचा हम अपने घर में चोरी करवाते थे। अगले हफ्ते से आप लोगों के मिड टर्म्स शुरू हैं। जो नोट्स मैंने आपको दिए वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं डीन सर से मिलकर आता हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे आप लोगों को पता चल गया कि सोहिनी को किसी अपने ने ही मारा। उस समय मुझे पता चला कि हमारी काम वाली ने अमन का जिक्र किया, लेकिन हाईवे वाले हादसे के बाद में सोहिनी को शक हो गया। विक्रम! क्या हम उसे बचाने की कोशिश कर ही नहीं रहे? और ये बात उसने जीत को भी बता दी। लेकिन मैंने जो देखा वही कह रही हूँ। मैं वहाँ गाड़ी के नीचे कुचल जाती, लेकिन वो वहीं खड़े खड़े देख रहे थे। फिर हमने फैसला कर लिया, अब इस किस्से को खत्म करना ही पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस वाली रात हम 11 बजे झारखंड वापस आ गए और अगले दिन सुबह पहली फ्लाइट से दिल्ली वापस चले गए। क्या करते? मजबूर थे। रंजना के साथ हमें सब कुछ मिल सकता था। हमारी हर खुशी, हमारे सारे सपने पूरा हो जाते। इसलिए हमने सोचा कि एक बार हम अपने लिए जिएंगे, अपने सपने पूरे करेंगे। हम कुछ करना चाहते थे इंस्पेक्टर, कुछ बनना चाहते थे। खैर, कुछ का तो पता नहीं, लेकिन आप मुजरिम जरूर बन गए मिस्टर विक्रम। विक्रम अगर चाहता तो वो सोहिनी से तलाक लेकर अपनी बाकी की जिंदगी बड़े आराम से रंजना के साथ बिता सकता था, मगर तलाक लेने के बजाय उसने सोहिनी को मार डालना उचित समझा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक ज्यादातर खून की वजह प्यार में धोखा, एक तरफा प्यार या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही होते हैं। विक्रम ने भी इसी वजह से सोहिनी का खून किया और उसे इसकी सजा मिली। उसे सोहिनी की जान से ज्यादा अपने सपने, अपनी खोखली शान ज्यादा प्यारी थी। और विक्रम की इस घटिया सोच को बढ़ावा दिया दूसरों की लापरवाही ने, क्योंकि बाद में सबको समझ में आ गया कि सोहिनी का डर उसका भ्रम नहीं था, मगर तब तक बहुत देर हो गई थी। काश सोहिनी ने पहले ही इंस्पेक्टर जा को सब कुछ बता दिया होता, काश जीत ने सोहिनी के डर को नजरअंदाज ना किया होता, तो शायद विक्रम को ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं होती और सोहिनी आज जिंदा होती। अब मैं अमर उपाध्याय आपसे इजाजत चाहता हूं, कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही एक नई बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक सावधान इंडिया, 100 फाइट बैक्स। तो सावधान।